जब कोई इंसान किसी जानवर के साथ संभोग करता है तो उस इंसान को पेरिफिलिया नाम की बीमारी हो जाती है। महिलाएं यौन संबंध बनाने के लिए आलोचना या शर्मिंदगी से नहीं डरती। किसी महिला के पीछे का हिस्सा तब बढ़ता है जब वह किसी पुरुष के साथ संबंध बनाने लगती है। एक स्त्री को रात में बिस्तर पर शांत करने के लिए मर्द के पास ताकत होनी चाहिए ताकि एक स्त्री के कामवासना को शांत कर सके। लंबे समय तक संभोग करने के लिए मर्द को अपने लिंग पर देसी घी की मालिश करनी चाहिए। संभोग हमारे जीवन का एक हिस्सा है जिसका हमें दोषी या गंदा महसूस किए बिना आनंद लेना चाहिए। औरतें कभी प्रशंसा द्वारा वश में नहीं होती, मर्द हमेशा हो जाते हैं। दोनों के बीच यही अंतर है। जब एक स्त्री अपनी शुद्धता खो देती है तो वह किसी भी चीज से पीछे नहीं हटेगी। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति नौजवानी और औरत की सुंदरता है। औरतें अपनी उम्र के बारे में झूठ बोलती हैं, पुरुष अपनी कमाई के बारे में। शरीर से सुंदर होने वाली औरत आपको केवल एक रात की खुशी दे सकती है, लेकिन दिल से सुंदर होने वाली औरत आपको जिंदगी भर सुख देगी। एक मर्द औरत से प्यार करता है तो वह अपनी जिंदगी का बहुत छोटा हिस्सा देता है, पर जब औरत प्यार करती है तो वह सब कुछ दे देती है। जो लोग खुद से बात करते हैं वे लोग स्वभाव में स्मार्ट होते हैं। पुरुष हमेशा महिलाओं का पहला प्यार होना चाहते हैं और महिलाएं पुरुषों का आखिरी रोमांस। मर्द औरतों के बारे में सोचते हैं और औरतें सोचती हैं कि मर्द उनके बारे में क्या सोचते हैं। यह आश्चर्यजनक है कि संभोग हमारे जीवन में इतनी शक्तिशाली शक्ति कैसे हो सकती है। साइकोलॉजी कहती है, संभोग के दौरान अगर महिला पुरुष से पहले संतुष्टि प्राप्त कर लेती है तो वह अपने पुरुष पार्टनर को आशा भरी निगाहों से देखती है और अपने बच्चे की तरह सीने से लगाकर रखना चाहती है। लड़कियां उन लड़कों से जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है जो उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं।